अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों में एक फ्लावर ऐसा होता है जो आपको हर जगह दिखाई देता है लगा हुआ, और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। उस प्लांट का नाम है मॉस रोज। ये प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, इतना इजी टू ग्रो होता है कि आप इसको हर जगह कटिंग के ज़रिए, सीड के ज़रिए भी लगा लेते हैं। कटिंग स्पेशली बहुत आसान होता है इसका लगाना। मैंने भी अपने कुछ प्लांटर्स तैयार किए हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मैं ऐसे तैयार कर रही हूँ, इसलिए कि इसकी एक दो ब्रांचेस आप लेकर आइए और फिर आप कितने ही इसके प्लांटर्स तैयार कर लीजिए। और हैंगिंग बास्केट्स के लिए गर्मियों में ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। शायद कोई और प्लांट ऐसा हो जो हैंगिंग बास्केट में इतना खूबसूरत लगे, इसलिए कि इसके नीचे की तरफ। और सर्दियों में तो हाँ, पिटूनिया इसके चक्कर पे आता है वैसे सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में मॉस रोज बहुत बेहतरीन है। इसको कटिंग से बहुत ईजी लगाते हैं। और एक बात और कि जैसे जैसे इसके फ्लावर्स जो हैं वो सूखते जाएँ, आप इसको पिंच करते जाएँ, इसलिए कि जब सीड बनने शुरू हो जाएंगे तो अभी से आपके फ्लावर्स कम होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा आप जितना इसको तोड़ेंगे, जितनी इनकी पिंचिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे, उतने ही सारे आपके जो है वो फ्लावर निकलेंगे। ज़्यादा ब्रांचेस पे ज़्यादा फ्लावर निकलेंगे। अब जैसे कि देखिए, ये वाला है, ये वाला मेरा फ्लावर यहाँ से सूख गया है काफ़ी सारे, और अब ये बिल्कुल लंबी सी डंडी हो गई है। और अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ ऐसे करके बस, और इसको मैं कहीं और लगा दूँ, तो यहाँ पर दो तीन ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से हम इसमें पिंचिंग करते चले जाते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस इसमें निकलती चली जाती हैं। मैंने कुछ फ्लावर्स मानी इसमें अंदर कुछ प्लांट्स लगाए हैं। कुछ देखिए, अभी मैंने मतलब ये कि ये मैंने लगाए, इसमें अब फ्लावरिंग हो गई काफ़ी अच्छी, काफ़ी दिनों से हो रही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ मज़ीद कटिंग्स लगाई हैं, अभी इनको पानी भी देना है। और शायद आपको याद होगी, कुछ कटिंग्स मैंने अपने पिछली वीडियो में, जब मैंने कुछ अर्से पहले बनाई थी, उसमें मैं नर्सरी विजिट में जो गई थी, तो कुछ मुझे वहाँ पर भी कटिंग्स मिल गई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी वो कटिंग्स भी बहुत अच्छी लग गई हैं। पीछे इसमें रखी मैंने, ये देखिए, तो देखा आपने, यहाँ भी मेरी कटिंग्स लग चुकी हैं। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी हर वक्त इसको डालेंगे तो फिर इसके जो है वो इसके लीव भी एक तो ख़राब होने लगेंगे, ऊपर से नीचे से गलने लगेगा, फंगस लगने लगेगा। क्योंकि ये एक सेक्युलेंट प्लांट है, और इसके जो है ज़्यादा इसके तमाम लीव वगैरह सब में बहुत पानी होता है, स्टेम में बहुत पानी होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक बारिश भी होती रहे तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा कवर कर लीजिए, इसलिए कि अगर इत्तेफाक से नीचे होल नहीं रहा और आपका पानी रहता रहा तो काफ़ी इसकी लीव ब्रांचेज जो हैं वो गलने से लग जाती हैं, लीव्स भी थोड़े से गलने लग जाते हैं। लिहाजा आप इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, हाँ आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे उतने ही आपका प्लांट अच्छा होता चला जाएगा। और 15 डेज़ में एक दफ़ा आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए और ब्रांचेस तोड़ तोड़ के लगाते रहिए। और इसके अलावा इस पर सीड बनने शुरू हो गए हैं मेरे इसके अंदर, तो मैंने भी सीड इसको तोड़ दिए सारे। लेकिन देखिए सीड किस तरह बनते हैं, इस तरह से इसके फ्लावर्स सूखते हैं, यहाँ एक मोटा सी बॉल बन जाती है। यहाँ पर अभी लगी थी, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँगी, शायद वो गिर गया इसमें से। तो इस तरह से ये बन जाते हैं और फिर इसके नीचे एक बॉल से बन जाती है। देखिए यहाँ पर सीड बनना शुरू हो गए, तो इसको हम निकाल देते हैं। जब सीज़न ख़त्म होने लगेगा तो फिर खुद ही इसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स को हम छोड़ देंगे और उसमें सीड बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम मॉस रोज के प्लांट को लगाते हैं। और हैंगिंग बास्केट्स में तो रियली इतना अच्छा लगता है। मेरे पास ही पिछले साल के बहुत सारे प्लांटर्स में ये लगा हुआ था, और अभी भी बहुत सारे रखे हुए हैं, और उसमें मैंने लगाया है तोड़ तोड़ के। क्योंकि इसको हम बचा लेते हैं सर्दियों में, सर्दियों में हम इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर हर वक्त इसकी नमी ना इसको मिले और डायरेक्ट सनलाइट इसको मिलती रहे दिन में, तो आपके सारे प्लांटर्स जो है वो बच जाते हैं। उसमें से कुछ कुछ स्टिक्स बच जाती हैं, कुछ रूट्स बच जाती हैं, और गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं दोबारा उनमें लीव्स निकलने शुरू जाते हैं, ब्रांचेज निकलनी शुरू जाती हैं, और हम दोबारा से इनको कर लेते हैं। सीड के थ्रू भी मैंने इसको लगाया है, और कुछ इसके ऐसी वैराइटीज़ भी होती हैं जिसके सीड्स उड़ के जगह जगह चले जाते हैं और वहाँ ये निकल आते हैं। तो मॉस रोज को बहुत ईजिली लगा सकते हैं, और इसके पॉट्स भी आराम से आपको नर्सरी से मिल जाते हैं। अभी भी अगर आप चाहते हैं लेना तो एक दो पॉट्स ले आइए, तो उसमें अक्सर ऐसे मिक्स मिलते हैं, पिंक भी होगा तो येलो भी होगा तो फिर होगा, तो उस तरह से आप एक प्लांटर या दो प्लांटर ले लीजिए और उसकी कटिंग्स तोड़ तोड़ के अपने सारे प्लांटर्स में लगा लीजिए। कोई जगह खाली मिले वहाँ लगा लीजिए, तो बस फिर आपके पास ये बहुत खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वह हर रोज़ देखने को मिलेंगे। चूँकि मेरे पास इतनी ज़्यादा गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है इस नए घर में, तो इसलिए इसमें बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ इसको एक डेढ़ घंटे ही की धूप मिल पाती है, उसमें इसने काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग की है। आप देखिए,
तो बस आप इसको इस तरह लगाइए, छोटे से पॉट्स में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में भी। हाँ, पिंचिंग ज़रूर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।